और इसी खबर, इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। भोपाल से लाडली उत्सव आयोजन की शिकायत हुई है। कांग्रेस के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया कांग्रेस ने। मतदाताओं को प्रलोभन देने का भी काम किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेता जेपी धनुपिया ने शिकायत की है। तो लाडली उत्सव का आयोजन जो किया गया था उसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की, शिकायत की है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जेपी धनुपिया ने, कांग्रेस की तरफ से जो है लगाया गया, जेपी धनुपिया ने ये शिकायत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, कांग्रेस ने शिकायत की है लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो आयोजन किया गया था उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल पूनम, देखिए ये लक्ष्मी उत्सव कर निर्वाचन सारे मध्य प्रदेश दुष्यंत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दुष्यंत जी, राजधानी भोपाल से खबर, कांग्रेस ने शिकायत की है। लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो आयोजन किया गया उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और शिकायत भी की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस नेता जेपी धनुपिया ने शिकायत की है। चलिए एक बार फिर दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुष्यंत जी, कांग्रेस ने शिकायत की है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है लाडली उत्सव को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, लाडली लक्ष्मी उत्सव सरकार ने आयोजित किया है, मिंटो हॉल में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कहा है कि मध्य प्रदेश के चार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लगी है, कैसे में इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन मतलब आचार संहिता का उल्लंघन है। और सरकार पर जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूरी शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और बीजेपी चुनावी क्षेत्रों में एक दूसरे पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ तमाम सारी जो सियासत है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रही है और ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसी के तहत लगातार शिकायतों का दौर जो बीजेपी की तरफ से, शिकायतों का दौर कांग्रेस की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी कई शिकायतें और भी कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की है और कार्रवाई की मांग की है। जी दुष्यंत जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आरोप प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 40 लाख लाडली लक्ष्मियों को आज संबोधित किया है। उनके बहाने से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया है कि लाडली लक्ष्मी योजना का एक गुणगान किया है, अपनी ही पीठ खुद थपथपाई है। वो ये भूल जाते हैं कि प्रदेश में इस समय खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगा और जोबड़ में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के कोई भी प्रलोभन के काम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कई घोषणाएं भी की है और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में उनका प्रसारण पहुंचा है, सारी जानकारी पहुंची है। बाकी मतदाताओं को उन्हें प्रलोभित करने का कर्ष किया है, ये उनका जो कर्ष है आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने आज भारत निर्वाचन आयोग की शिकायत की है और उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा की घोषणाओं के संदर्भ में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, हमें विश्वास है। हमने आज एक शिकायत और सामने की है कि मध्य प्रदेश के पृथ्वी जो कि बाउंड्री से लगा हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा से, वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनके द्वारा वहां से कई लोग अवांछित तत्वों को लाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में वहां पर क्षेत्र में लोग एकत्र हो चुके हैं। बाकी पुलिस अधिकारी जिनमें की पृथ्वीपुर के थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव है वो भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं। कई पुलिस अधिकारी और तीन तीन चार चार साल से जमे हुए हैं, वो भी भाजपा का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहां पर इस बात को एक मिलता है कि अशांति फैलने का डर है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नितिन सिंह द्वारा ये मांग की गई है चुनाव आयोग से कि वहां पर पृथ्वीपुर में विशेष पुलिस के अधिकारी को नियुक्त किया जाए पर्यवेक्षक के रूप में, जिससे कि वहां की घटनाओं को देखा जा सके, शांतिपूर्ण तरीके चुनाव संपन्न हो सके, ऐसी हमें उम्मीद है। इस पर भी कार्रवाई होगी। अलीराजपुर के एसपी भी वहां पर जो मनोज कुमार सिंह है उनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता हुआ।